यहाँ पे कैंप लगा हुआ है गाइस, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो आने के बाद। देखो देखो भाई, ये अपना प्रॉपर्टी। यहाँ पे आने के बाद टोटली वेस्ट है भाई। यस, तुरंत ज्यादा सही लगा मेरे को पार्क रूस को। आंटी भी आ गए सामने। अच्छा आंटी जी, चल मारे ना भाई, हम डालम देसी बॉय का घर। तो हम आज जा रहे हैं भाई बोराइल इको पार्क की तरफ। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और अभी का फिलहाल कुछ सीन ऐसा देख सकते हो, हमारे साथ आज दो एंटर्क है और एक अपाची आरटीए 160 है और एक मेरा वाला ब्यूटी। आज दो स्कूटी और दो बाइक के साथ राइड हो रहा है। तो हम आज जा रहे हैं भाई बोराइल इको पार्क की तरफ, देखते हैं। बोराइल इको पार्क में सुना है वहाँ के पार्क है, अच्छा खासा कैंप वगैरह होता है, तो देखते हैं जो भी होगा। तो आप लोग को दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई। चलो पुल पर चलते हैं भाई। तो गाइस उधर बंदे हम आ चुके हैं और दो भाई ने पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे गया है, तो हम उधर बंद में थोड़ा सा रुकेंगे। तो गाइस हमने उधर बंद में फास्ट ब्रेक या छोटा मोटा सा ब्रेक, थोड़ा कुछ पानी वानी पीने के लिए छोटा मोटा सा एक ब्रेक हो गया हमारा। और अभी हम निकल चुके हैं हमारे लोकेशन पे जाने के लिए, बोराइल इको पार्क पे जाने के लिए। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। मुझे तो भाई पता नहीं है बोराइल इको पार्क कहाँ पे है क्या नहीं। मेरे एक दोस्त भाई के एक दोस्त को पता है, वो मेरा भी दोस्त है, तो उसे पता है शायद। तो चलो चलते हैं उनको पीछे पीछे, वो तो आगे निकल गए, हम पीछे भी चलते हैं और जाके देख के आते हैं बोराइल इको पार्क किधर है। हम मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँगा, तो पहले मैं नहीं गया था भाई एक बार भी बोराइल इको पार्क में। सोच रहा था जाने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज चलेंगे, देख के आएंगे बोराइल इको पार्क में क्या है क्या नहीं, देखते हैं कहाँ जा पाते हैं क्या नहीं। जो भी होगा आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, तो एंड तक देखना गाइस। और ये रहा मेरा एक फ्रेंड, ये भी साथ जा रहा है भाई। तो भाई चलो आगे चले गए हैं और दो चार बंदे, तो टोटल हम 7 लोग जा रहे हैं आज फुल पावर गाइस, मज़ा आ रहा है। तो बोराइल इको पार्क इस रूट से है, इस रूट का भी नाम भी कुछ मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं इस रूट पर। तो भाई चलो जो भी सीन है आप लोग को दिखाएँगे भाई। राइड को इन्जॉय करो भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई राइड करने का। तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला वाइब आ रहा है भाई। भाई तो गाइस मंजिल से ज़्यादा तो भाई रोडों से ही प्यार है हमें, लेकिन भाई आज धूप बहुत ज़्यादा भाई है, रात वात जल रहा है एकदम। आज ग्लव्स मैंने नहीं पहना है क्योंकि मोबाइल पे जब सेट करना पड़ता है ना, कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो ग्लव्स पहनने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती ग्लव्स पहनने से, तो इसीलिए ऐसे आज नहीं पहना हूँ। तो मैं नहीं तो पहनता हूँ हमेशा ग्लव्स। और भाई व्यूज़ भाई खतरनाक लेवल के आने शुरू हो चुके हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि नहीं, कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन नहीं भी मेरी नज़र भाई जहाँ तक जा रही है ना, वो नेक्स्ट वाला व्यू दिखाई दे रहा है। और हमारे और चार दो तीन बंदे भाई पीछे कहाँ रह गए भाई, नहीं आ रहे अभी तक। तो गाइस हम जहाँ पे जाए और टी गार्डन ना हो भाई, ऐसा कोई सीन होता है क्या भाई? सामने एक बार चेक करना, देखो गाइस टी गार्डन ही टी गार्डन भाई, हम जहाँ भी जाएंगे भाई टी गार्डन मिलेगा ही मिलेगा भाई। असम का पहचान, और असम मीन्स टी गार्डन भाई। देखो भाई देख सकते हो क्या ही खतरनाक भाई व्यूज, चेक करें एक बार भाई, नेक्स्ट लेवल वाला वाइब आ रहा है भाई यहाँ पे। तीन बंदे पीछे कहाँ रह गया भाई पता नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे हो, दो बंदे आगे चले गए हैं भाई। मेरा फ्रेंड का स्कूटी का पेट्रोल थोड़ा सा कम है, इसलिए उसने पेट्रोल डला रहा है अभी भाई। सी कब तक आते हैं वो लोग। हमारे एक सिलचर के यूट्यूबर है, बहुत ही बड़े एक सिलचर के एक यूट्यूबर है, वो कृष्णकांत सर जी, उनका वीडियो मैंने देखा हुआ था जब वो ये बोराइल इको पार्क में आए थे। तो मैंने सोचा था एक बार आऊँगा, लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज अचानक ही प्लान बन गया है बोराइल इको पार्क में आने के लिए। और भाई अभी तो हम जा रहे हैं लोकेशन पर, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोग सजेस्ट करूँगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो अगर सिलचर से कोई है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आओगे या नहीं। यहाँ पे आना आपका अफोर्डेबल रहेगा, आके आपको इन्जॉयमेंट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो मैं बताऊंगा, तो आप आ जाना। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में, बोलूंगा कि आप आओगे या नहीं, आने के बाद आपको कैसा लगेगा। तो भाई हमारे पीछे आ चुके हो तीन बंदे, दो स्कूटी वाले बंदे, मेरे फ्रेंड का स्कूटी में तो रहता पेट्रोल कम होकर हो चुका था, तो इसलिए पेट्रोल थोड़ा सा डबाने गया था वो। और भाई यहाँ का सीन्स देख सकते हो भाई, बहुत ही क्रेजी लेवल का है, अच्छा लग रहा है भाई। और असम मेन्स टी गार्डन देख सकते हो भाई, पूरा हरियाली होकर रखा है टी गार्डन भाई। असम में जब भी कहीं भी जाओ कोने कोने पे, मैं वीडियो में हर वक्त बताता ही रहता हूँ, क्योंकि असम में टी गार्डन भाई नेक्स्ट लेवल रहता है। हम जब भी जहाँ से निकलते हैं भाई टी गार्डन दिख जाता है, देख सकते हो
जब भी जहाँ से भी जाएंगे भाई टिकट मिल जाएगा हमें। ओ भाई भाई जितने आगे जा रहे हैं भाई उतने खतरनाक खतरनाक तगड़े तगड़े व्यूज देखने को मिल रहे हैं। और भाई यहाँ पे लड़कियाँ भी है गाइस, खतरनाक खतरनाक राइड कर रही है लड़की और लड़के मिलके। तो भाई हम भी जाके जा रहे हैं भाई, अपने बंदियों को लेके आ रहे हैं भाई और हम लोग अपने फ्रेंड पे। ओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, घर में जाके डिस्कशन करो ना, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो रोड ब्लॉक करके। तो गाइस यहाँ पे कुछ देख के चलाना पड़ेगा भाई, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, अचानक ही आ जा रहा है भाई, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है। तो भाई पूरा अच्छे से जाना पड़ेगा देख देख के भाई, ट्रैक वाला ने तो भाई हमारे हम लोग को आगे नहीं जाने देने वाला था भाई, मैं निकल गया भाई। गाइस देखो सामने देखो भाई, मंकीज देख सकते हो भाई, वो भाई 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 आराम से मंकीज देखो भाई, भाई मंकीज भी मिल गए यार यहाँ पे, मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ पे भी और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स है, सब यूट्यूबर है भाई, और हम भी भाई छोटे मोटे से वीडियो बना लेते। तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, डेंजर लेवल का राइड आप सबको मिलेगा भाई, राइड्स वीडियोस ब्लॉग्स सब कुछ मिलने वाला है गाइस, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई। खाली स्पीड ब्रेकर ही है भाई इस रूट में भाई, कोई भी आ रहा है तो भाई आराम आराम से आना भाई, मेरे गाड़ी को भाई ब्यूटी को बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है यार। हाय तो भाई हमारे एक भाई का मोबाइल खो चुका है भाई, वो जब स्पीड ब्रेकर में ब्रेक लगाया था बदादा ने, और वो पीछे बैठे हुए थे और अपने उस शर्ट वाले पॉकेट में फ़ोन को रखा हुआ था, और वहाँ से कहीं खो गया भाई, गिर गया फ़ोन, और अभी ढूंढने के बाद ही नहीं मिल रहा फ़ोन किया हम लोगों ने, स्विच ऑफ बता रहा है भाई, किसी बंदे ने उठा लिया होगा शायद भाई, भाई तो क्या कर सकते हैं अभी। तो चलो भाई और हमें अपनी लोकेशन की तरफ पढ़ रहे हैं। ओ भाई 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 ओ भाई साहब भाई ये खतरनाक वाला रोड यार भाई, भाई 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 मजा आया लेकिन राइड में भाई, भाई साहब खतरनाक वाला रोड भाई, मजा आ गया यार। ओ भाई 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 गाइस सीन चेक करें एक बार, ओ भाई यहाँ का सीन चेक करें एक बार गाइस, खतरनाक वाला सीन है यार, व्हाट ए व्यू गाइस, व्हाट ए प्लेस गाइस, मैन क्या खतरनाक लग रहा है भाई, इतनी खुशी गाइस क्या ही बोले भाई, नेक्स्ट ईयर वाला भाई बारा यहाँ पे। ओहो मजे, व्हाट ए व्यू मैन भाई, अभी तक मैंने अपने बंदे लोगों से आप लोगों को नहीं मिले यार, तो सबको जाके मिलाएंगे वहाँ पे जाने के बाद, सबको ऐसे करके मिलाऊंगा आप लोगों से भाई। बोराई लेको कैंप लेका हुआ यहाँ पे देख सकते हो, बोराई लेको कैंप, तो यहाँ से जाएंगे भाई इस साइड पे, बोराई लेको कैंप लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे, तो हम आ चुके हैं इस रोड पे, बोराई लेको कैंप शायद सामने ही है भाई, चलते हैं भाई। तो गाइस अभी थोड़ा ख़राब रोड मिल रहा है, क्योंकि अभी तो जितने ज़्यादा टाइम जा रहा है हम लोग उतने अंदर की तरफ जा रहे हैं, और रोड तो भाई थोड़ा ख़राब मिल रहा है अभी, इतना अच्छा रोड नहीं है, थोड़ा सा ख़राब थोड़ा सा अच्छा सा रोड मिल रहा है, और अच्छा ही लग रहा है भाई राइड करने में, थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, अभी थोड़ा सा ख़राब रोड है यहाँ पे।
भाई रोड अभी थोड़ा सा ख़राब मिल रहा, शायद बारिश हुआ था, पानी वानी है रोड पे। और भाई हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं भाई, भाई इन सब रोडों पे तेज चलने का कोई मतलब ही नहीं है, धीरे धीरे से चलते हैं भाई। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस यार हमारा पहला ब्यूटी यहाँ मैंने पार्क कर दिया ब्यूटी को, और अपना फ्रेंड यहाँ पार्क कर रहा है उसके रानी को यानी एंटर को। और यहाँ पे एक पार्क हो गया हमारा बाइक, और एक पार्क हो गया। तो गाइस ये देखिए हमारे एक भाई और ये रहे एक भाई। हाय गाइस, विशाल चलो हमारे चैनल लगता है डैश फुटेज DLFWD, प्रमोट चल रहा है भाई, प्रमोट चल रहा है। না ইনোর মাঝে একটা দুঃখর ঘটনা হয় কিতাও জানে, আজকে আমরা লগে দাদা একজন আইজন তার মোবাইলটা পড়ে গেছে ইসরে ভাই, ওরে গাইস ইয়ে ভাই বহুত স্যাড নিউজ মিল গিয়া यार, আমার এক দাদা কা মোবাইল খো গিয়া হে ভাই, ও কিস বান্দে নে উঠা লিয়া আর ফোন কর রহে হো তো সুইচ অফ মিল রহা হে ভাই, সুইচ অফ মিল রহা থা ভাই, হাম উন লোগ উনকো ভাই বহুত হি জোরো সে লেকে আয়ে থে ভাই। এ রহা আপনা রিফন ভাই, দেখ লো ইসে बंदे का देख रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल वाला स्टाइल मार रहा है। और ये हमारे भाई हमडा स्टाइल मारे ना भाई, हमडा एकदम देसी भाई, कावर भाई, गांव के लंडे भाई, देख रहे हो सब गांव के लंडे है भाई, भाई हमडा एकदम खराश ना भाई, हम खराश ये भाई, लुक रिच पीपल है भाई, ये रिच है भाई, ये बंदा ये भाई आईफोन का मालिक है भाई, आईफोन का मालिक है भाई, रिच है भाई, कितनी बेच के लिया है भाई, कितनी बेच के लिया है আমার বাইরে দেখো রে ভাই, ও দেখো মিস্টার সুমু মালিক, মালিক মা কালী জুয়েলার্স এর মালিক রে ভাই, মালিক। আর সামনে আরেক ভাই, ভাই ইন সব রোডো সে গাড়ি রাখনে কে বাদ আপকো তোরা পেদাল আনা পড়েগা, ওর আনে কে বাদ কুছ এসা মিলেগা ভাই, থোড়া সা পেদাল জব আওগে তো আনে কে বাদ এসা কুছ সিন মিলেগা। और इसके बाद शायद और आगे है, तो हम आ चुके हैं इको पार्क के साइड में ही। देखो भाई ये हमारे और एक भाई जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और मेरे ब्लॉग के चैनल का नाम है दिस इज चिरंजीव, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। गाइस अभी हम आ चुके हैं इको पार्क के, इको कैंप जो है इको पार्क बोड़ा इको पार्क के सामने, और देखते हैं यहाँ का क्या सीन रहता है, अंदर जाने देते हैं कितना क्या लगता है वो सब देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। और भाई ये देख सकते हो रिवर है, पानी आ रहा है भाई यहाँ से, बीच में गिलो भाई यहाँ पे एक ब्रिज था वो नहीं है अभी। और भाई देख सकते हो भाई लोग कैसे कैसे आ रहे हैं भाई, চলো চলো ওদিকে চলো, চলো রে ভাই, তা গাঁও কা লন্ডা হ্যাঁ सब नहीं। तो गाइस गांव का होने में एक फ़ायदा है भाई, किसी भी परिस्थिति में आपको आप कवर से कर सकते हो। तो भाई हम गांव के लौंडे हैं भाई, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भी हम जा रहे हैं भाई, देख सकते हो भाई खतरनाक वाला। अच्छा आंटी जी, भाई आंटी बोल रही है वो ब्लॉग में आ गए भाई, और भाई हम तो भाई
भाई नेक्स्ट लेवल वाला हो रहा है ना भाई। इको कैंप में जाने के लिए भाई इतना बढ़िया रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉसिंग है ना, बहुत ही सही लगता है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। भाई देख सकते हो हमारे भाई आगे आगे जा रहे हैं, देखो और वह हमारा एक्सपीरियंस लेवल बंदा भाई चला चुका है, जा चुका है। अपना फोटोग्राफर तो देखो भाई आगे चला जा चुका है भाई। भाई गांव का होने से मैं एक हर एक हर एक हर एक परिस्थिति में आप लोग अच्छे कर पाओगे गांव में अगर हो गए तो। भाई साहब आप जरा बोलिए आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, लेकिन यह भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला है भाई। भाई देखो भाई सब हर कोई ब्लॉग शूट कर रहा है भाई, देखो हमारा ये आ गया अप्रजीत, इसका नाम भाई, आ जाओ भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये रहा क्रिएटिव बॉय विशाल, ये रहा अपना भाई मिस्टर शुमू ज्वेलरी शॉप का मालिक, और भाई और एक आ रहा है मेरा फ्रेंड। हमारा गाँव लुंडा बा और आज का ये देख सकते मेरा फ्रेंड गिर चुका था भाई, अभी ये भाई लग गया उसके पैर में शायद। ये रहा अपना फ्रेंड आगे रिपोन और बहुत ज्यादा आ रहे हैं भाई, देख सकते हैं भाई नेक्स्ट लेवल वाला सीन है। आ जाओ चलो आज चलते हैं आगे भाई, इसे कोई फर्क नहीं है भाई, आ रहा है ये आ ही रहा है। और भाई ये रहा सामने है कैंप, पूरा देखो कैंप लिखा हुआ है भाई, टाइम ऑलमोस्ट 3 बज चुका है। और भाई ये रहा बुराइले को कैंप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भाई आप लोग कुछ यहाँ आ सकते हो, जैसे ये वाला सबसे भाई बढ़िया लगा मेरे को, मज़ा आ गया। देखो भाई अल्कोहल यहाँ अलाउड नहीं है, अल्कोहल के लिए 5,000 फाइन है भाई। ये रिसेप्शन है सामने है रिसेप्शन, और अपने भाई मजाक कर रहा है बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर वाला मजाक कर रहा है अपना भाई, और अपना भाई नेक्स्ट लेवल ब्लॉगर पूछ रहा है, नेक्स्ट लेवल ब्लॉगर है भाई। और ज्यादा है क्या दूर तक चप्पल चलो अच्छा ठीक है खाटो एकदम करी भाई यहाँ पे अपना टिकट लेना चालू हो चुका है, यहाँ पे टिकट ले रहे अपने भाई लोग, कितना लोग हैं? तो 3 सात बंदे सात एक ही में हो जाएगा क्या? पेपर नाम लिखना पड़ेगा, मैंने सोचा था मेरा वाला मिस्टर प्रोटीन दे दो, मिस्टर प्रोटीन दे दे तो अच्छा ही होता भाई। डिस्काउंट दियो दीदी, डिस्काउंट मैंने ठीक बोला था, 7x5 भाई यहाँ पेमेंट हो चुका है 100 रुपए करके एंटर है भाई, चप्पल सिग्नेचर कोटा 700 दिया जो बहुत दुख लग रहा है, किछो करना है जनो अंदर हमारे बेसी सब्सक्राइब करी होइले दादा रे दादा रे फोन गिफ्ट करवा ना नहीं दादा रे फोन गिफ्ट करवा। तो भाई हमारा टिकट का काम हो चुका है कंप्लीट, टिकट हो गया हमारा, चलो हम ना गाने कमी। तो भाई ये देख सकते हो भाई बुराई लिखो कैंप लिखा हुआ है यहां पे, और भाई नेक्स्ट लेवल वाला 2 आर
टू आवर्स 100 टू आवर्स नहीं भाई, परफेक्ट कर दिया भाई, 100 में टू आवर्स बोले बिल बढ़ो ना, मजा आ गया पूरा, मजा आ गया हिंदी, मजा आ गया भाई, रियली रे भाई। तो गाइस अपना तो परफेक्ट हो चुका है भाई, ओ भाई 100 rupees 2 hours भाई, स्कैम कर दिया यार भाई। यहाँ पे कैंप लगा हुआ है गाइस, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो आने के बाद। और हमारा ये बाइक अरे भाई मोबाइल खो गया यार, देखो भाई बंदे को देखो भाई, ये अपना प्रोफेशनल खतरनाक ब्लॉगर है भाई ये। कैंप कुछ ऐसा है भाई यहाँ का, कैंप कुछ इस टाइप का है यहाँ का, देख सकते हो भाई। कुछ बोलना था, इस टाइप देख के कैसा महसूस हो रहा है भाई, ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, मतलब कार्टून में बैठ भाई साहब देख सकते हो भाई, कैंप करना है अगर तो दो ये है तीन है, 1 2 3 अगर कैंप कर सकते हो, अगर इन सब चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है। मुझे तो कोई ख़ास नई चीज़ नहीं लगा यहाँ पे आने के बाद, कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बैठने का व्यू अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला व्यू आएगा, तो ये सही है, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा, यहाँ से बैठने का व्यू भाई वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। और यहाँ कुछ वॉशरूम वगैरह है और इस साइड पर बैठ सकते हो, देख सकते हो बहुत ही, ये भी किचन है शायद यहाँ पर, और इस साइड पर आगे भी कुछ और है खेलने की चीज़ें वगैरह वगैरह देख सकते हो यहाँ पे बैठने का, लेकिन नेक्स्ट लेवल वाला व्यू मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और अपना ये बंदा तो सब नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉगर है भाई। और भाई यहाँ पे तो सोलर लगा हुआ है, देख सकते हो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा इससे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक भी मिलेगा। और भाई यहाँ पे कुछ सीन वगैरह ऐसा है जो खेल सकते हो कुछ भी थोड़ा बहुत। और भाई भाई ये तो अपने घर में भी कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ खास चीज मुझे कुछ खास नहीं लगा नेक्स्ट लेवल है भाई। भाई यहाँ पे अपना कुछ खास नहीं लगा अपने आने के बाद, गुरुकुल भाई यहाँ पे गुरुकुल लिखा हुआ है, देख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या पाठ पढ़ा जाता है, आई डोंट नो भाई, देखते हैं हम भी कुछ पाठ पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पे आने के बाद। ये बंदा जा रहा है भाई अपने, देखो बच्चे की तरह भाई, भाई क्या कर रहे, देखो भाई क्रिएटिव बॉय चला जा चुका है आपने भाई, बच्चों की तरह देखो क्या कर रहा है भाई, देखो बंदे को भाई भाई यहाँ पे गुरुकुल है भाई, देख सकते हो भाई पढ़ा जाएगा यहाँ पे बैठो आराम से, अरे भाई आराम से कर लो प्यार। हाँ भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉगर लगता है। और भाई ये बंदे को भाई प्रॉब्लम हो चुका है हमें आने के बाद, कंटिन्यू भाई आईफोन का रास्ता दे। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, मुझे कुछ खास नहीं लगा, अगर आप लोग यहाँ ना चाहते हो टोटली वेस्ट है, यहाँ पे आने के बाद टोटली वेस्ट है भाई। ये थोड़ा ज़्यादा सही लगा मेरे को पार्क रूट को क्रॉस करना, इसको थोड़ा ज़्यादा सही लगा मेरे को क्रॉस करना वगैरह, और ये सब कुछ वगैरह भाई वेस्ट है टोटली। 100 rupees में 2 hours भाई यहाँ पे बिताना, कौन बिताएगा 2 hours, इसके तो पहले हम चले जाएंगे। और ये सब वगैरह तो मेरे घर के पास ही है गाइस, तो यहाँ पे आना टोटली वेस्ट है। तो हम आ चुके हैं आज घूमते घूमते, इसीलिए थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपने सब फ्रेंड्स लोग के साथ आए, तो अपने फ्रेंड्स लोग तो देख सकते हो, ये दादा भाई नेक्स्ट ईयर ब्लॉगिंग करते हैं, और ये रहा अपने भाई लोग, तो टोटली तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत आया था तो इंजॉय कर लिया थोड़ा बहुत, और यही कुछ सीन है, और इसीलिए कोई खास चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो टूटी भाई लो, इसका ट्राइपॉड भी टूट गया टूटी, मेरा भी लगे, देखे भाई कलर लगा हुआ है वो, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई, देखा वही पीछे क्या हुआ तुम्हें, देखो भाई आईफोन में सेल्फी लेते हैं।
चलो 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 अभी मेरा तो मुख काला हो गया काम किया। हेलो गाइस, तो बड़ा इलेको पार्क देखने के बाद मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ 20 से 22 दिन बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि घर में आने के बाद भाई टाइम ही नहीं मिला मेरे को। और बड़ा इलेको पार्क में जो भी सीन हो आप लोग वीडियो में तो देख ही लोगे, और मुझे ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं लगा, तो जो भी है वीडियो में आप लोग देख लोगे। तो आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन मुझे खास कुछ चीज़ नहीं लगा, तो जो भी है आप लोग तो देख लोगे। तो मिलेंगे किसी अच्छे से मस्त ब्लॉग में। अगर आपको ये छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन क्या करें भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो भाई ब्लॉग को छोटा मोटा ब्लॉग को आपको कैसा लगा बताना कमेंट में। तो भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे किसी अच्छे से मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।